डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है डायपोल मोमेंट इज फाउंड इन, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, CO2 दिया, H2O दिया, CH2 दिया, BCl2 दिया। तो देखिए आपको एक बात हमेशा याद आ रही है कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो एक्चुअल में आयनिक करेक्टर को बताता है कि मॉलिक्यूल जो है वो कितना ज़्यादा आयनिक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो, तो बट आप जो लॉजिक लगाओगे वो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BCl2 के बारे में आप सोचोगे कि सर ये है आयनिक होगा, बट एक्चुअल में ये आयनिक नहीं है। चलो ठीक है, अब डायपोल मोमेंट को तुम देखते हो तो ये एक और कॉन्सेप्ट है कि Q×D से देखते हो और फिर इसको वैक्टर से आप जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हो और देख लेते हो कि भाई वैक्टर कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलो पहले हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर से हमको समझ में आएगा। तो वो CO2 की बात करें तो CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन H2O है, तो H2O का आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, वी शेप मिलता है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है CH2, तो CH2 CO2 की तरह ही है, ठीक है ना। ऑक्सीजन हटा के आपने सल्फर लगा दिया। और फिर अगला आता है BCl2, तो BCl2 में Cl और ये B और ये Cl, इस तरह से स्ट्रक्चर है। अब आपको समझ में आता है कि यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, वो जो होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, तो ये प्लस से माइनस की तरफ, इधर इधर माइनस चार्ज जाएगा इधर, तो ये इस तरह से डायरेक्शन आएगा और इसका मूवमेंट जो होगा वो इस तरह से होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो CH2, तो CH2 को अगर आप देखो तो ये भी किसकी CO2 की तरह ये बिल्कुल लीनियर है, तो इसका भी μ = क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह BCl2 की बात करो तो ये भी क्या है, इसकी तरह लीनियर है, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट इधर साइड है, ये बॉन्ड मूवमेंट इधर साइड है, यहाँ पर इसका μ = क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बट अगर आप इसकी बात करो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, और लोन पेयर अपना ऊपर थोड़ा सा दिखाते हैं मूवमेंट, इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। और जब कुछ ना कुछ वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि डायपोल मोमेंट पाया जाता है, तो पाया किस में आता है, सेकंड में पाया जाता है, बाकी सब में डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए आंसर जो होगा वो सेकंड यहाँ पर मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाए।